जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। हाथ खोल के एकदम शांति से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। एकदम शांत हो जाए। जस्ट हम्बल डाउन योर सेल्स। लेट्स प्रिपेयर आर सेल्स फॉर द मेडिटेशन। एकदम शांत हो जाइए, आंखें बंद, कोई विचार नहीं। डू नॉट थिंक, डोंट थिंक। माँ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके आज आप हमें ध्यान के लिए तैयार करें। माँ जैसी मनस्थिति ध्यान यात्रा के लिए, आप पर ध्यान करने के लिए जरूरी है, वो आप हमें प्रदान करें। माँ सारी चिंताएं छोड़ देंगे, कोई विचार नहीं। Getting better. Don't think. Tell yourself, do not think. No thoughts. एक बार बैलेंस करेंगे अपने आप को, लेफ्ट हैंड लैप में, राइट हैंड पृथ्वी पे या पृथ्वी की तरफ, ऑन द ग्राउंड और टुवर्ड्स द ग्राउंड। एंड वी शैल प्रे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, जो भी इम्प्योर है, जितने भी पजेशंस है, जो भी अधूरी इच्छाएं हैं माँ, इस जन्म की या किसी भी जन्म की श्री माता जी, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, प्लीज क्लेंस माय लेफ्ट चैनल, प्लीज टेक अवे ऑल द इम्प्योरिटीज, ऑल द नेगेटिव फोर्सेस ऑन द पजेशंस, भूत बाधास फ्रॉम माय लेफ्ट चैनल इनटू योर मदर अर्थ एलिमेंट। श्री माता जी, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग से जो भी अशुद्ध है, इम्प्योर है, जो भी बुरी यादें हैं माँ, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए और मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, व्यर्थ है, अधूरी इच्छाएं हैं,
पोजेशंस है, अशुद्ध इच्छाएं है मां, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, इम्प्योर है, जो भी पजेशंस है, उन सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी एक्सेस हीट है, जो मेरे ओवर थिंकिंग से या ओवर वर्किंग से मेरे शरीर में पैदा हो रही है, उस हीट को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, एकदम हृदय से बोलेंगे, माँ मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी इम्प्योर है, एक्सेस एक्शंस, एक्सेस थॉट्स, एक्सेस हीट, एनी काइंड ऑफ पजेशंस, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, प्रॉब्लम्स नोन और अनोन कमिंग फ्रॉम माई फ्यूचर, टेक ऑल सच इम्प्योर थिंग्स इन टू योर ईथर एलिमेंट। लेफ्ट हैंड हैवी हो रहे हैं, लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज आर मूविंग आउट ऑफ योर बॉडी। विल पुट द लेफ्ट हैंड डाउन, नीचे रखेंगे लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथ सामने गोद के ऊपर लैप पे, और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए। माँ मुझे पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में स्थापित कर दीजिए माँ। श्री माता जी, मुझे मेरे केंद्र में स्थापित कर दीजिए। हे परम पावनी माँ, प्लीज एस्टेब्लिश मी इन माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए और मुझे मेरे मध्य में स्थापित कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए और मुझे मेरे मध्य में स्थापित कर दीजिए। बैलेंसिंग
is taking place. We can feel it in our left hand and the right hand too. Keep your attention within yourselves, within your being. Don't let it go out. Keep your attention on the left hand. Left hand pe attention rakhenge. Mehsoos karenge. Ki hamari left side, हमारी कुंडलिनी शक्ति ने पूरी तरह सच कर दी है. ऐसे ही अब राइट हैंड पे हम अटेंशन रखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति ने हमारे राइट साइड पे बहुत वर्क किया है. महसूस कर सकते हैं इसे निर्विचारिता के रूप में. Now we shall bring our attention to the center. And now we'll take bandhan once. एक बार बंधन लेंगे हम लोग. आंखें बंद रखेंगे और चित सदैव सहस्रार के ऊपर, सर के ऊपर. राइट साइड ऑफ द कलेक्टिव इज वेरी हैवी टुडे. सो एक बार हम अपनी राइट साइड की जो एक्सेस स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रही है उसको पृथ्वी तत्व में भी देंगे. राइट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड पृथ्वी पे रख देंगे इस तरह से साइड में. आंखें बंद और प्रार्थना करेंगे. हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी एक्सेस नेगेटिविटीज है, किसी भी तरह की एक्सेस हीट है, रिएक्शंस है, ईगो है, हे परम पावनी माँ, आप उसको मेरे लेफ्ट हैंड से पृथ्वी में विलीन कर दीजिए. श्री माता जी, प्लीज टेक अवे ऑल द हीट, ऑल द ओवर थिंकिंग, ओवर एक्टिविटी फ्रॉम माय राइट साइड इनटू योर मदर अर्थ element. Place your attention on your right Muladhara. Prarthna karenge phir se. He param pavani ma, meri right Muladhara mein jo bhi possessions hai, उन सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए. श्री माता जी, श्री कार्तिकी जी को जागृत कर दीजिए.
दोनों हाथ गोद पे रखेंगे। अब चित्त को एक बार मूलाधार से सहस्रार तक लाएंगे ताकि हम महामन से पहले पूर्ण संतुलन की अवस्था में आ सके। चित्त पूरा एकाग्र रहेगा। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र पे रखेंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र पे रखेंगे। श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र पे अच्छी तरह से चित्त को रखेंगे। नाभि के ऊपर आप अपने चित्त को नाभि के चारों ओर घुमाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चित्त को गोल घुमाइए नाभि के चारों तरफ। श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे नाभि चक्र पे। हम मध्य हृदय में आएंगे। श्री दुर्गा माता जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में, कहीं नहीं जाएगा चित्त, सिर्फ मध्य हृदय में। विशुद्धि चक्र में चित्त को रखेंगे। विशुद्धि चक्र को चित्त में रखने के लिए अपने गले के अंदर, एकदम गले के अंदर देखेंगे, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पे चित्त को रखेंगे और माँ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय करेंगे। माँ, हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आई फॉरगिव एवरीवन, यू ऑल्सो फॉरगिव मी। श्री माता जी, for whatever wrong I've done in this life or any of my past lives. सहस्त्रार के ऊपर चित्त को रखेंगे। राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे, प्रेस करेंगे और दबाएंगे, सर को झुका देंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी ब्रह्म रंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए। माँ, मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बनाइए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। प्रेस करेंगे, मूव करेंगे स्कैल्प को, हाथ नीचे, चित्त पूरा सहस्रार पे। तीनों महामंत्र लेंगे। ओम।
तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश मन ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चमक गया, हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं, देव के साथ जानते हैं कि ये कहाँ इनका क्या चल रहा, उनका क्या मामला हो रहा, यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। अब अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ सो हूँ ही, तो अनादि से ऐसी हूँ, तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है। विशेषता आप लोगों की जो आपके से जाना माना और पाए, लेकिन सहयोग का ज्ञान प्राप्त करने पर उसका अंत नहीं होता। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होना माने आपके नर्वस सिस्टम पे उसे जानना, ये तो हो गया। नर्वस सिस्टम पे आप जानते हैं कि दूसरों को क्या शिकायत है और आपको क्या शिकायत है, ये तो ज्ञान प्राप्त हो गया। जो लोग उल्टी तरीके से चलते हैं वो सोचते हैं ज्ञान करना माने ये कि हमें बुद्धि से जानना है, बुद्धि से हमें जानना है। बुद्धि से जानना माने क्या कि हम अब किताबें पढ़ के जान लेंगे या हम किसी गुरु के पास बैठ करके जान लेंगे या किसी के उपदेश सुनने से हम जान लेंगे, सो नहीं जान सकते। ज्ञान का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में से यही शब्द, यही वेद है, यही विद है, यही बोध है, यही बुद्ध है। आज आप बुद्ध है क्योंकि आपको बोध हो। बोध होने का मतलब ये नहीं किसी ने बोध पिला दिया आपको, हाँ भाई ऐसा करो ये करो वो, और उससे पहले जो कुछ भी आपको बताया गया वो सब व्यर्थ ही हो गया। किसी ने बताया हाँ साहब आप सवेरे खाना मत खाइए, शाम को खाना खाइए, सवेरे खाइए शाम को मत खाइए, कुछ ऐसी वैसी सब बातें चलते चलते लोग पहुंचे के साथ समझ में नहीं आता। कोई कहते सवेरे खाओ, कोई कहते रात को, कोई घर करो, कोई कहते वो करो, और कुछ बनता ही नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके तो कोई चरित्र में विशेषता नहीं आई, उसका तो कोई स्वभाव नहीं बना। सो महावीर जी के इसमें मैं अभी कल ही मुझे ये चीज मिली, महावीर जी ने कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो सब जितने भी जैन लोग थे उन्होंने सोचा ज्ञान को प्राप्त करना माने किताबें पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, सम्यक ज्ञान फलाना ठिकाना। सम्यक ज्ञान कहने से क्या सम्यक ज्ञान आने चाहिए, वो तो अंदर जागृति से आएगा ना। सम्यक माने इंटीग्रेटेड, जब तक आपके सारे चक्र इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। तो उनका भी विचार जो था वो खत्म कर दिया, पहले उन्होंने कहा ज्ञान आना चाहिए।
अब ज्ञान में चल पड़े। हमारे यहाँ एक से पंडित मराठी में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़ पढ़ के मूर्ख बन रहे, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख। सो वो निकलता ही नहीं खोपड़ी में से, जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उनसे कहते ऐसा करिए आप दो दिन तक आप बोलते ही नहीं, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दीजिए, खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे ही इनके सर में तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज बताई जो लक्ष्य है उससे हट, पहली चीज उन्होंने बताई ज्ञान, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा, किसी ने ये नहीं पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, वो जमाना नहीं था, सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी का दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज कौन था उससे बात करी, और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे आप दुनिया पर को आप जिन्होंने को जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज ठीक है, आप खुद आपके हाथ में सांप है आपने छोड़। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं, आपकी नसों में अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध। जब तक ये बोध एक नया आयाम एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागरूक, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजक, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहां थे जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर चरित्र बनाओ चरित्र बनाओ, चरित्र बनाने में उनका भी चरित्र बनाओ, किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काषाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह के हैट पहन के वो तनी क्या क्या, अब वो सब कर रहे सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर की ओर से चले जा रहे हैं सब कर्म कांड कर, सब नर की ओर रास्ता बना चला जा। कोई कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हुआ सभी नर की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, तो कहने क्यों साहब शराब में क्या कराए खराबी है, ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को खिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी, कल एक शादी में गए थे वहां लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष अंगूर के रस को कहते हैं वाइन हिब्रू भाषा। अब सोचिए एक अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज बन जाए वो कैसे अल्कोहल हो सकती, वो शराब कैसे हो सकती। अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी सड़ी हुई चीज होती है ना अल्कोहल, सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया, जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ, अभी हम रोम रहे थे तो वहां जिस गवर्नमेंट ने काफी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम आपका सब करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा जरा पानी मंगाओ, पानी में हमने हाथ फेरा तो उन्होंने पिया तो पानी है क्या, कहा क्यों नहीं ये तो पहले वाइन जैसा। बार बार पूछे कि पानी तो नहीं, तो वाइन तो नहीं दे देंगे, मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए, फिर वो कहे बार बार, फिर उन्होंने अनाउंस भी किया उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट था। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस, तो बता लिया। अब वो
जब क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या जिस तरह उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते, तो अब वो बंदूक है और सांप तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीजें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं कर, हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तो खाने रखी, ऐसी कौन सी आप पे आफत आई, जिस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो भगवान के नाम पर काफी, और किसी चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था, रक्षा के लिए एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखी। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे कृपाण, अब देखते जैसे जैसे दिन दिन बढ़ता सवाल हो, आजकल यह हालत है तोफाने रखे हो, ये इतनी हमारी तो अभी इतनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि इसका साइज इतने बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों हो गया। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती 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 इतनी हो गई, अभी दिखाई भी नहीं, और ये तोफखाने जो है इतने लंबे लंबे हो, तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पर क्यों जाते, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहजों के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हम तो नहीं बना, चल नहीं सकते, अपने आप बनते जाए, ये आपकी कुंडली नहीं आपको बनाती जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो, चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया, उसके बाद वो गए जर्मनी, उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ मुझे बड़ी पसंद की वाइन क्या लगती है, वो कहते हैं कि मैंने जो पिया उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियां आई, मैंने कहा क्यों, कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ पूछ खा लिया, तुमने सड़ा हुआ पूछ कभी खाया था क्या, तो कहले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी पूछ खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया, और उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी, कहले मेरे खून निकल आए इतनी उल्टियां, और मैंने कहा कान पकड़े आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब, मैं तो कुछ नहीं कहती ना मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं, आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं, अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज घटित होने लगे। शुरू में बहुत तकलीफें होती है, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में, किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है, मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे अभी बंदर की जैसे कूदने लग गए, फिर किसी में देखती हूँ एक तरह की बड़ी दुष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ ना, पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज सब। जय श्री माता जी, हमने श्री माता जी की मधुर अमृत वाणी सुनी और इसका आधा भाग हमने कल भी सुना था, तो जो लोग कल शाम को भी थे उनको पता है श्री माता जी किस विषय में बात कर रही थी कि मस्तिष्क का असीमित होना कितना आवश्यक है, और मस्तिष्क असीमित कैसे होता है, रियलाइजेशन के बाद होता है, उसके आगे की ये वाणी थी। सो कौन बताएगा इसको, जय माता जी दीदी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने बोला कि नॉलेज हमको नॉलेज चाहिए होता है, बट नॉलेज हमें बुक्स से नहीं आएगा, कि मतलब हम बुक्स किताबें पढ़ते रहे और उससे ज्ञान आ जाएगा, पर किताबों वाला ज्ञान आएगा, बट
रियल ज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम में आना चाहिए, मतलब हमको अंदर से आना चाहिए, वो हमको वो फील होना चाहिए। और श्री माता जी ने बोला कि हमारा ज्ञान आता है तो हमारा जो कैरेक्टर बिल्ट होना चाहिए उससे, ना कि सिर्फ हम कर्मकांड कर रहे हैं कि हाँ ऐसे पूजा करनी है तो ऐसे, माने वो नहीं होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर बिल्ट होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए वो जो भी मतलब हम लोग जो भी ज्ञान ले रहे हैं। और श्री माता जी ने ये भी बोला कि ज्ञान मतलब बोध होना होता है कि सच्चाई क्या है रियल में। और श्री माता जी ने सारे धर्मों के बारे में भी बताया कि जो जो मतलब जो जो धर्म के गुरुओं ने बताया था, लोगों ने अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया। मैंने ईसा मसीह जी ने बोला था, मतलब किसी ने भी नहीं बोला था कि हमको शराब पीना चाहिए, बट हाँ उन्होंने वाइब्रेटेड वाटर दिया तो उसको वाइन का नाम देके मतलब उसको लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। ईसाई और सिखों में उन्होंने बोला कि कृपान रखनी चाहिए तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको बड़ा बड़ा करके, और मैंने दे बिकम हिंसक बोलेंगे जो भी लड़ाई झगड़ा में वो सब आ गया। मैंने हमको रियल सच्चाई जानना है बेसिकली, और ये भी हमको मतलब हमको कोशिश नहीं करनी होती, अगर हम अपने अंदर ही जाएं तो कुंडलनी शक्ति हमारी धीरे धीरे वो हमारे अंदर चेंजेस खुद ही ले आती है। और जैसे जैसे हम गहरे उतरते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी सारी चीजें हमको क्लियर होती जाती हैं, और रियल में हमको ज्ञान भी मिलता रहता है और उसका फायदा भी होता रहता है। बहुत सुंदर शिखा सार को बहुत बढ़िया बताया आपने। शांति एक बार बताओ आप सारा, फिर देखते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा वो पूछ लेंगे। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी बता रहे थे जी की वाणी में, बैठे बैठे हम सहज के बारे में रियलाइजेशन के बाद सब सबका ज्ञान पा सकते हैं, क्योंकि ये सहजयोग का ज्ञान अनंत है, ये हम नसों में जाना है, ये रियलाइजेशन के बाद ही प्राप्त होता है, वो बुद्धि से हम जान जान नहीं पा सकते हैं। पहले लोग बहुत बोध के बारे में बोलते रहते थे, वो स्वभाव में बदलते नहीं। सम्यक ज्ञान मीन्स वो इंटीग्रेटेड नॉलेज जागृति के बाद ही हमको मिल सकते हैं, वो ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद ही वो बोध हमको समझ में आती है, रियलिटी समझ में आती है। बहुत बुक्स पढ़ने से श्री माता जी एक एग्जाम्पल बोले, पंडित पंडित पढ़ पढ़ कर पंडित मूर्ख हो जाते हैं। पड़ी पड़ी पंडित मूर्ख भय। राइट दीदी, पहले हम वो बुक से आने वाली नॉलेज ब्रेन से निकाल देना चाहिए, वो पूरा क्लियर होने के बाद, वो वैक्यूम बनने के बाद ही हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की बात हम समझने की समझने के लिए हम तो उस सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलने से मिलने से नहीं मिलने से पहले समझ में नहीं आते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी एक ही रियलाइज्ड व्यक्ति को अर्जुन जी को ही समझाए हैं, वो बात हम रियलाइजेशन के बगैर समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमारे हाथ में स्नेक है तो हम आंखें बंद करके स्नेक को समझ नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे आंख खोलने के बाद ही हमारे हाथ में स्नेक है समझ में आने के बाद छोड़ सकते हैं, वो बौद्ध केवल सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही चाहते हैं। कितना मनोरंजक स्पीच बनाए तो भी वो हमारी ब्रेन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो रियलिटी मालूम होने के वास्ते कुंडलनी की जागरण अति आवश्यक है, और धीरे धीरे हमारे चरित्र भी बन जाते हैं।
कुंडलनी माँ अपने आप धीरे धीरे हमारे पूरे कितने भी प्रॉब्लम्स क्लियर कर देती हैं। हमारी दिमाग कभी भी नीचे की तरह जाते रहते हैं, हमारी बुद्धि वो कुंडलनी माँ की शक्ति से ऊपर जा सकते हैं, नर्क की तरफ जाते हैं, सारे धर्म नर्क की तरफ ही ले जा रहे हैं, कोई सारे स्वर्ग की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। सब नरक कर्म कांड, वो ड्रेसिंग बदलना, और क्रिश्चियंस जीसस जीसस की हेड गियर लगाना, राइट, और एक बार फंक्शन में जीसस वाइब्रेट पानी को वाइब्रेट कर दिया, वो उनका स्मेल उनका टेस्ट एक द्राक्ष रस के सर का था, वो हिब्रू में वाइन बोलने से सब लोग वाइन पीना चालू करे, ऐसे बताते हुए जीसस वाइन पिलाए सबको, वाइन पीना चाहिए, क्रिश्चियंस को वाइन पीना चाहिए बोल के समझ ली, वो सब गलत अंदाजा हम रियलाइजेशन से पहले कर सकते। रियलाइजेशन के बाद एक आदमी का एक्सपीरियंस बोले श्री माता जी, उनको रियलाइजेशन के बाद वाइन पकड़ने से कितना उल्टियां होने से उन्होंने अपने आप उनको छोड़ दिए, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद ही हमको रियलिटी प्राप्त होते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के बाद अगर हम अपना कैरेक्टर में सुधार नहीं भी लाते हैं और अभी कंटिन्यू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो कुंडलिनी टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना जानती है। वो आपको मतलब जैसे दारू उन्होंने शराब पिया तो उसके बाद उनको इतनी तकलीफ हुई, उल्टियां होने लगी और बिल्कुल जान आफत में आ गई, तो फिर अगली बार वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से गलत करना मुश्किल हो जाता है। इवन इफ यू वॉन्ट टू डू एंड यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यू कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज कुंडलिनी विल नॉट लेट इट हैपन इफ इट इज अवेकन्ड। सो ये था। और क्या था शांति? किसी को कुंडलनी जागरण के बाद बहुत क्रोध आते हैं, अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं, वो धीरे धीरे उनका प्रॉब्लम्स सब निकल जाके कुंडलनी माँ अंदर घटना घटित होते हैं, मतलब धीरे धीरे हम हमारे ब्लेमिशेस को दूर कर सकते हैं, अपने आप में कुंडलनी माँ के उद्धान से अपने आप क्लियर होते रहते हैं। श्री माता जी ने जो इस स्पीच के शुरू में बताया था, जो कल हमने लगाई थी शाम को, तो माँ ने बताया कि कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो वो बहुत ही मतलब शानदार तरीके से और एक शानदार व्यक्ति के द्वारा शुरुआत होती है। जैसे किसी भी धर्म का जो भी प्रवर्तक थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे, मोहम्मद साहब थे, निजामुद्दीन थे, गुरु नानक जी थे, तो जीसस क्राइस्ट थे, वो तो इनकार्नेशन ही थे, लेकिन उसको फॉलो करने वाले उसकी उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर पाए इन स्पिरिट जैसा कि वो बताना चाह रहे थे। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मानव की बुद्धि सीमित है और सीमित चीज में कुछ भी चीज जाने से वो सड़ जाती है। तो जब असीमित होगी हमारी बुद्धि तब हम उसको उसके सत्य को जान पाएंगे, सत्य में खड़े रह पाएंगे, क्योंकि सत्य को समझना इस बुद्धि के माध्यम से संभव नहीं है। तो किस तरह से सत्य को समझ सकते हैं? बोध से, एक्सपीरियंस से। बोध से बनती है बुद्धि। तो जब अनुभव आए तब वो ज्ञान आपका कंफर्म्ड हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर नर्व्स।
सो द नॉलेज इज इन द नर्व्स. सो सहज योगा वर्क्स ऑन द नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लेफ्ट एंड राइट, एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो नर्व्स पे काम करता है सहज योगा, एंड नर्व्स देती हैं आपको एक्सपीरियंस. आपको कुछ भी यहाँ पे छुएंगे, ठंडा गरम, किसने दिया ये ज्ञान? नर्व्स ने दिया ये ज्ञान. सो जो ज्ञान नर्व्स पे है वही ज्ञान जो है वो सत्य पे है, और उसके माध्यम से आप कुछ भी जान सकते हैं, किसी के बारे में भी. यहां से बैठे बैठे हम पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं, हम हर व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं ऑन आर नर्वस सिस्टम, ऑन अ नर्वस सिस्टम. अगर आप इस समय चाइना पे चित्तदेव से, उनकी बुद्धि बहुत ही जो भी हो रखी है, तो उस समय आपको उसी चक्र पे पकड़ आएगी जो वहां पे गड़बड़ है. अमेरिका पे चित्तदेव तो आपके उसी चक्र पे पकड़ आएगी जहां पे वो, वहां पे वो गलत जा रहा है. सो ये मतलब इतना ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर, ये बुक्स पढ़ने से नहीं आ सकता. बुक्स पढ़ के तो लोग कितना भी लड़ाई झगड़ा करने में लगे रहेंगे, लेकिन दे विल नॉट रीच एनीवेयर, दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे डू नॉट एक्सपीरियंस. क्योंकि ज्ञान जो है वो विद है, विद है ना, फील विद नॉलेज. सो उसी से हमारे वेद का शब्द आता है. तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में, और ये मस्तिष्क को विशाल करता है, असीमित करता है, असीमित. सीमाएं कहाँ है, क्या हुआ, कितना हुआ, बुक में क्या पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, बस इतना ही. तो फिर हम कैसे सत्य को जानेंगे? नॉट पॉसिबल. सो जब ये एकदम असीमित हो जाएगा, देन वी कैन रिसीव एवरी इंफॉर्मेशन इन अ नर्वस सिस्टम. सो दिस इज possible only with the Kundalini awakening, and this is possible when you have integrated personality, and Sahasrara gives us integrated personality when all the chakras are awakened, all the chakras. So all the chakras have their own qualities, and this is what happens to us when our Kundalini is awakened, and it's difficult to do wrong things one. It is awakened. Even if you try and do, it will not. Let it happen. Okay? So I think pura achche se cover ho gaya. Kuch nahi hua to kisi ko kuch poochna hai. 2-4 minute hai. 6:30 dhyan shuru karenge. Kuch poochna hai. Dekhiye, ye na, Shri Mataji ne ek beech mein ye line bhi boli thi. Mera lecture sunte hai aur chale jate hai. Aur reh jate hai vahin ke vahin. Aap एक एक बात माँ की ध्यान से सुनिए, बहुत गहरा अर्थ होता है हर सेंटेंस में, हर वर्ड में. तो क्या बोला माँ ने, हम लोग भी तो यही कर रहे हैं सहजी लोग, लेक्चर सुनते हैं और चले जाते हैं. क्या हमने उसको आत्मसात किया? जब तक हमको उसका क्रक्स नहीं पता होएगा, हम उसको आत्मसात करके उसको अपनाना है, उसको अपनाना है. हमने जो माँ ने बताया जैसे ये कर रहे हैं, तो आपने बोला कि करते करते जब वो मूड स्विंग्स होगा, मतलब क्रोध आएगा, और मतलब हाँ जैसे क्रोध आएगा ना, तो क्रोध और भी कुछ क्या जैसे हो जाएगा. मैं बता रही हूँ क्या होगा. अब मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, सब करना होता है. तो अब क्या होता है, जब से सहज योग के बाद गुस्सा आता है, अगर गुस्सा आ गया, पहले तो आता नहीं, अगर आ गया एकदम सर दर्द, एकदम आ गया चक्र एकदम बंद हो जाता है और एकदम सर दर्द होने लगता है, इमिडिएटली मुझे पता चल जाता है सबको क्षमा कर, क्षमा करते ही वो सर दर्द गायब. जीसस क्राइस्ट का नाम लेते ही सर दर्द गायब. तो कुंडलिनी मुझे क्रोध नहीं करने देगी. अगर मैंने वो नेगेटिव उसमें नहीं जाएगा, मींस कुछ और हम ऐसे हार्म तो नहीं करेंगे ना किसी को, अगर मान लो गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसे कुछ और मुझे पूछना चाह रही हूँ. कुंडली तो आपकी माँ है, वो तो आपको
कंफर्ट करती है, वो तो आपको शांत करती है। कुंडलिनी हमारी माँ है, हर जन्म में यही कुंडलिनी हमारे शरीर में। हमने अगर कोई चीज आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी होगा उसमें, ये मतलब। हाँ हाँ वो अगर आपको ठीक कर देगी, जैसे माँ होती है प्यार से ठीक करती है, थोड़ा गुस्से से ठीक करती है, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एकदम ठीक रहे। क्रोध करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर क्रोध करके सर में दर्द हो के कुंडली ने इंडिकेशन दिया कि आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है एक्चुअली, और जैसे ही आप लोगों को माफ करते हैं आज्ञा चक्र खुल जाता है। आज्ञा चक्र खुलता है तो कुंडलिनी ऊपर आ जाती है। कुंडलिनी ऊपर आते ही आपका सर, मेरा मिरेकुलसली माइग्रेन ठीक हुआ है। बहुत माइग्रेन होता था मुझे। हाँ, हेडेक की प्रॉब्लम थोड़ा सा है मुझे, हो जाती है हाँ, अभी भी योगा से है। पहले मेरे को बहुत बुरा माइग्रेन होता था। एक दवाई की वो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती थी सर दर्द की, हमेशा। अब पता नहीं कहाँ है, अब याद भी नहीं कहाँ रखी होती है, वरना उसके बिना मेरे को इतना इनकम्प्लीट लगता था कि अचानक से सर दर्द हो गया, मैं बाहर जा रही हूँ तो क्या होगा मेरा। तो वो दवाई साथ, वो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी ने मुझे ये ज्ञान दिया कि क्रोध करने से ये सर दर्द आ रहा है, तो क्रोध अपने आप ही धीरे धीरे छूटता गया। वैसे भी क्रोध नहीं आता कुंडली अवेकनिंग के बाद ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं मंदिर। मुझे तो आता है वैसे, अभी उससे नहीं आ रहा है, मुझे नेचुरली ही आता है मुझे तो नेचुरली थोड़ा आता था। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, सा वो बात नहीं, इसीलिए आप सहज योग में आई हो कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? काफी नए सीकर्स हैं जो हाल फिलहाल में रियलाइजेशन लिया है जिन्होंने, कुछ अमृत वाणी में से पूछना है आपको? ठीक है, मेरे को लगता है सबको ग्रहण हो गई है अच्छी तरह, तो प्लीज फॉलो भी करें। मैं भी लगातार, कभी भी मुझे लगता है माँ के लेक्चर से मेरे को लगता है ओ ये तो माँ ने मेरे लिए बोला, मेरे को ये चीज ठीक करनी है। जितना हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने बारे में, अपने दोष हम देखेंगे, हम अपने दोष को देखते हैं वो भाग जाता है। जैसे चोर है, अगर आपने चोर को देख लिया वो बैठा रहेगा क्या? नहीं बैठा रहेगा। तो जैसे ही अपने दोष के बारे में पता चलता है वो पता नहीं कहाँ से खत्म हो जाता है। ये होता है कुंडलिनी अवेकनिंग से, और इसलिए दूसरों के दोष नहीं देखने, दोष अपने देखने और दूसरों के गुण देखने, वो ही हमारे अंदर आ जाएंगे, और दोष को देखेंगे वो भाग जाएगा। वो मेरे घर में बैठा है चोर, मैंने उसको देख लिया, अब वो भाग ही जाएगा। तो अपने दोषों को देखना है तो उससे वो चले जाते हैं। ये कुंडलिनी अवेकनिंग से बहुत बड़ी शक्ति है, नहीं तो हमको अपने दोष नहीं देखते। कोई नहीं कहता मैं गलत हूँ, सिर्फ एक सहज ही कहेगा अरे मैंने तो गुस्सा कर लिया था, मेरे तो सर दर्द हो गया, मेरे तो आ गया चक्र, सिर्फ एक सहज ही कहेगा ऐसी बात। कोई नहीं कहेगा गुस्सा करना बुरी बात है, वो गर्व महसूस करेगा गुस्सा करने, है ना? ठीक है पूजा, चलिए अब बैठते हैं, ध्यान के लिए तैयार होते हैं। आंखें पूरी बंद कर लेंगे, एक बार फिर से बैलेंस करेंगे अपने आप को, लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे, और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है उसको मेरे दाएं हाथ से आप पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी माँ, मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है उसको आप मेरे दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। हे परम पावनी माँ, मेरे शरीर के बाएं भाग में श्री महाकाली श्री भैरवनाथ जी की शक्तियां प्रवाहित कर दीजिए। माँ मेरे लेफ्ट साइड में श्री महाकाली को जागृत कर दीजिए।
एकदम हृदय से बोलेंगे, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो ये जान लें कि जब तक हम हृदय से कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, कुंडलिनी माँ उसको आशीर्वादित नहीं करती हैं, क्योंकि उन तक वो आवाज नहीं पहुंचती है। बहुत ही हृदय से बोलें, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी नेगेटिविटीज है, वायरसेस है, पजेशंस है, उनको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। बहुत सुंदर। राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, जो भी पजेशंस है, उस सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। बहुत सुंदर। दोनों हाथ गोद में। अब हम अपने मध्य हृदय में आएंगे, चित्त को सेंट्रल हार्ट में रखेंगे। गहरी सांस भरेंगे, मध्य हृदय में छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे और जगदम्बा का उच्चारण करेंगे 12 बार। एक बार फिर से करेंगे, जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में मां की शक्तियों को महसूस करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागे और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी, हाथ गोद में। अब चित्त को एक बार राइट हार्ट में भी लाएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी दाएं हृदय को पूर्णतया जागृत कर दीजिए।
अब अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और यहाँ पे श्री माता जी का दरबार लगा है, सभी देवी देवता यहाँ पे हैं। माँ को नमन करेंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आज आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में ले जाइए माँ, जिसमें आप अपने एक सहजी बच्चे को देखना चाहती हैं। नमन करेंगे समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, समस्त चक्रों की आभा मंडल के साथ, सभी गणों की शक्तियों के साथ हम अपने चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे, गर्दन के अंदर लाएंगे, अपने गर्दन के अंदर देखेंगे, गोल चित्त को घुमाएंगे, अपने ही अंदर जाना है, अपने ही खो पाना है, एकदम चित्त आपकी गर्दन के अंदर। चित्त आज्ञा चक्र तक आ रहा है, आज्ञा चक्र पे चित्त को रखेंगे, माँ से विनती करेंगे, माँ कृपा करके हमें हमारे सभी अपराधों के लिए क्षमा करें, हमारे पूर्वजों को भी क्षमा करें माँ, और हमारी बैक आज्ञा पे श्री महागणेश रूप में आप जागृत हो जाएं श्री माता जी। चित्त को एक बार बैक आज्ञा पे रखेंगे, वो छोटी पोनी बांधने की जगह सर के पीछे, चित्त को रखेंगे बैक आज्ञा पे सर के पीछे चोटी बांधने की जगह पे, श्री माता जी हमारे पूर्वजों को क्षमा कर दे, मुक्त कर दे उन्हें श्री माता जी। अब बैक आज्ञा से हम धीरे से अपने चित्त को सहस्रार पे ले आएंगे सर के ऊपर, राइट हैंड को सर पे रखेंगे, दबाएंगे और झुका लेंगे, मूव करेंगे अपने स्कैल्प को प्रेस करते हुए और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें माँ, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करें माँ, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन, माँ कृपा करके आप मेरा ब्रह्म रंध्र पूर्णतया खोल दीजिए श्री माता जी, श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए, श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। चित्त पूरा सहस्रार पे, चित्त को ऊपर उठाएंगे 3-4 इंच ऊपर,
तीन चार इंच ऊपर उठाइए चित्त को सहजता से सर के ऊपर और ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे और ऊपर पूरे आकाश तक चित्त को ले जाएंगे। महसूस करेंगे हमारे सर से आकाश तक एक पाइप की तरह संपर्क हो गया, चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य श्री माता जी की शक्तियों को महसूस करेंगे। छोटा छोटा चमकीला चमकीला परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है। जैसे कि ऊपर से एक वर्षा हो रही है श्री माता जी के श्री चरणों से अविरल परम चैतन्य बहता रहता है पूरे ब्रह्मांड। महसूस करेंगे परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है और हम भीग रहे जैसे एक झरने के नीचे बैठे और भीगते जा रहे हैं। महसूस करेंगे परम चैतन्य हमारे लेफ्ट हैंड में, चित्त रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे। देखिए परम चैतन्य आ रहे हैं क्या यहाँ पे। महसूस करेंगे परम चैतन्य के प्रभाव को। लेफ्ट हैंड हथेली पे चित्त रखें, अंगूठे पे रखें और चार उंगलियों पे चित्त को रखें। पूरा ध्यान आपके लेफ्ट हैंड पे। अब पूरा ध्यान राइट हैंड पे रखेंगे। अब अपने चित्त को सर के ऊपर ले आएंगे। और महसूस करेंगे ठंडक को। पूरा आकाश तक चित्त एक पाइप की तरह हमारे सर से आकाश तक एक संबंध, उसके अंदर से परम चैतन्य लगातार हमारे अंदर आ रहे हैं। महसूस करेंगे कि हम एक प्रिज्म की तरह हैं। और हमारे शरीर में परम चैतन्य बह रहे हैं सर के ऊपर। महसूस करें कि परम चैतन्य बरस रहे हैं और हम भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। महसूस करें परम चैतन्य को अपने आज्ञा चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, अनाहत पे, मध्य हृदय में, नाभि पे, स्वादिष्ठान पे और मूलाधार चक्र पे। फिर से चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान,
नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। चित्त पूरा सहस्रार पे है, इसको ऊपर उठाएंगे, 3-4 इंच ऊपर अर्धबिंदु चक्र होता है, अर्धबिंदु चक्र पे उठाएंगे 3-4 इंच ऊपर, और ऊपर बिंदु चक्र, उसके और ऊपर चलेंगे, और ऊपर वलय, और ऊपर प्रदक्षिणा, चित्त को ऊपर उठाते जाएंगे आकाश तक, आकाश, आकाश के परे चलेंगे अंतरिक्ष, ग्रह उपग्रह सभी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सारे ग्रह, शनि ग्रह, आकाश गंगाएं, पूरा अंतरिक्ष, और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर में श्री सदाशिव, परम चैतन्य के बने श्री सदाशिव, चरणों में नमन करेंगे, आदि शक्ति के अवतरण के लिए धन्यवाद करेंगे। अपने से योग करवाने के लिए धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे अपने हृदय में समा लो, मुझ बूंद को अपने सागर में मिला लो। और ऐसा कहते हुए अपने आप को एक प्रकाश पुंज की तरह महसूस करेंगे और शिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आएंगे, शिव के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, सब ग्रहों उपग्रहों के बीच, सूरज चांद सितारे, आकाश तक आएंगे, नीला आकाश, और धीरे धीरे नीचे आएंगे अपने सहस्रार तक। चित्त सहस्रार पे, माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके हमारे मस्तिष्क को असीमित कर दीजिए, और अपने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटेंगे, मध्य, बायां और दायां, कमल की पंखुड़ियों की तरह, और अपने ब्रह्म रन से जहां पे लगातार परम चैतन्य ऊपर से गिर रहे हैं, सबसे पहले बाएं पंखुड़ी को कलर की तरह भरेंगे, सर के ऊपर से गर्दन तक लाएंगे जैसे हम रंग भर रहे हैं परम चैतन्य, लेफ्ट साइड ऑफ योर लिम्बिक एरिया, पूरा चित्त लेफ्ट साइड ऑफ योर लिम्बिक एरिया, अब अपने चित्त को ब्रह्म रन से राइट साइड ऑफ योर लिम्बिक एरिया पूरा कवर करेंगे चित्त के माध्यम से, जैसे हम रंग भर रहे हैं कमल की पंखुड़ी में,
सर से लेके बेस तक गर्दन के, सर से लेके बेस तक पूरा परम चैतन्य हमारे चित्त के माध्यम से फैल रहा है। अब फिर से ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे चित्त को, जहां परम चैतन्य लगातार बरस रहे हैं। अब यहां से मध्य पंखुड़ी को फिल करेंगे कलर की तरह, परम चैतन्य को भरेंगे। ब्रह्मरंध्र से गर्दन के बेस तक चित्त के माध्यम से से नीचे कलर के बेस तक बैक आज्ञा को भी कवर करते हुए। बहुत सुंदर। ब्रह्मरंध्र पे ले आएंगे चित्त को फिर से सर के ऊपर। लगातार परम चैतन्य आकाश से पूरे ब्रह्मांड से हमारे ऊपर बरस रहे हैं, महसूस करेंगे, भीग जाएंगे इसमें, भीग जाएंगे, पूरी तरह से भीग जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे महसूस कर रहे हैं परम चैतन्य, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, दोनों हाथों में परम चैतन्य। चित्त को पूरा सहस्रार पे रखेंगे फिर से और प्रवाह करेंगे एक प्रिज्म की तरह। सहस्रार पे लेफ्ट हैंड पे एक रेखा खींचेंगे, त्रिकोण बनाएंगे चित्त के माध्यम से। सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सहस्रार, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सहस्रार। महसूस करिए ऊर्जा के प्रवाह को, ज्यादा से ज्यादा परम चैतन्य रिसीव करेंगे ऊपर से और पूरे शरीर में फैला देंगे। जय श्री माता जी। अपनी ऑरा को लॉक करेंगे, बंधन लेंगे। चित्त को पूरा सहसार पे रखेंगे, अपने चित्त के माध्यम से अपने घर में हर कोने में जाएंगे। आपके सारे बेडरूम, सारे रूम्स, सारा एरिया, जहां आप रहते हैं, पूरी कॉलोनी पे चित्त को रखेंगे, गोल घुमाएंगे। पूरे भारतवर्ष के नक्शे पे चित्त को घुमाएंगे। अमेरिका पे चित्त को घुमाएंगे।
अमेरिका विशुद्धि है विश्व का, बहुत इम्पोर्टेंट देश। अफ्रीका पे चित्त को घुमाएंगे, एशिया पे घुमाएंगे चित्त को, एशिया के नक्शे पे, यूरोप पे घुमाएंगे, इटली फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पे चित्त को घुमाएंगे, पूरे विश्व के नक्शे पे चित्त को घुमाएंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, हमारे सहस्त्रार से निकली हुई ऊर्जा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रयोग हो, ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए माँ, और हमको सहज देने का एक सुंदर माध्यम बना दीजिए श्री माता जी, बना लीजिए श्री माता जी। Make us your instrument, Shrimati Ji. Thank you, Shrimati Ji. अब अपने लेफ्ट हैंड पे राइट इस वाली विशुद्धि की उंगली से जो भी आपकी समस्या है या प्रार्थना है श्रीमाता जी के श्री चरणों में वो लिखेंगे, और ऐसे करके 7 times उसको बंधन देंगे जय श्री माता जी बोल के, और आंखें बंद करके श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरह इस समस्या को सरेंडर कर देंगे। आंख बंद करके माँ की फोटो की तरफ इसको प्रवाहित करते हैं, इसलिए चित्त में माँ की फोटो रहना बहुत जरूरी है। जय श्री माता जी। आज के सत्र को हम यही समापन करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज काफी सारे नए सीकर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी अभी रियलाइजेशन लिया। जी का बहुत अच्छा लगा, मूलाधार के बारे में पता चला, बहुत अच्छा। इवन बच्चे भी सुन रहे थे तो अच्छा लगता है कि नॉलेज गेन हो रही है।
थैंक यू सो मच दी, आप भी अच्छी अच्छी डेली नॉलेज दे रहे हो. माता जी की नॉलेज है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, सब माँ ने बताया, कुछ हमारा नहीं, बस हमें अनुभव करना है मनी. दीदी वो मैं कोशिश करती हूँ. मूलाधार चक्र के बारे में जाना, अब इसकी चार पंखुड़ियां हैं, तो उन चारों पंखुड़ियों को महसूस करो, कहाँ है वो, क्या उनकी विशेषता हमारे अंदर आ गई है, महसूस करो. जैसे आप ये मांगते हो ना, बोध कहा माने, एक्सपीरियंस होता है बोध का मतलब, तो जो भी आप नॉलेज, जो भी नॉलेज, उसी से मैं अनुभव मांगू माँ से, बहुत उत्थान मिलता है इससे. माँ से मांगने से सब मिल जाता है, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज करना है माँ. हाँ अब ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो नॉलेज दे रहे हो उसको मैं अंदर रखू. नॉलेज नसों में है, दिमाग में कुछ नहीं है. थैंक यू दी, वेलकम. जय श्री माता जी. थैंक यू. और कुछ पूछना है किसी को? यस कमल प्लीज. नहीं एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी नाइस, अभी तक ठंडक लग रही है, अभी तक लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ठंडा है ना, बहुत ठंडक लग रही है. बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था है कमलप्रीत, आप बहुत ही अच्छी आत्मा हो. माँ ने कहा ना, इतने लोग थे कौरव वंश में, इतने पांडव थे, सिर्फ अर्जुन को ज्ञान दे सके, क्योंकि सत्य को वहन करना सबके बस की बात नहीं. It's beautiful. I'm here and thank you. आपने मुझे यहाँ लिया. Thank you so much. I feel blessed, you know, कि मैं यहाँ आ गई हूँ. Finally, I've come where I had to. कमलप्रीत, लेकिन कौन लाया? माता जी, श्री माता जी. Absolutely. Thank you, श्री माता जी. Thank you. चलो श्री माता जी, हम सबके साथ दिन भर रहे, इसी प्रेम और इसी सद्भाव से हम अपना पूरा दिन बिताएं, जैसे इसकी शुरुआत हुई. आंटी एक और बात पूछनी थी. When I was meditating, I felt tears also. When I was thanking, so वो क्या होएगा मतलब? वो tears होते हैं, ये आते हैं हमारी left side से, emotions है ना, तो जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, तो वो आपको क्लेंस करते हैं. Okay. ये क्लेंसिंग प्रोसेस है. ओके. थोड़े दिनों में तो इतना संतुलन आ जाता है कि टीयर्स ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं. थोड़े दिनों में है ना, थोड़े दिनों में. जी. बैलेंसिंग है. आई एम स्टिल लर्निंग. आपके वीडियोस देखती हूँ मैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अपने नोट्स बनाती हूँ उससे. आई एम स्टिल लर्निंग, सो मच टू लर्न. फॉर मी ऑल्सो सो मच टू लर्न एंड सो मच टू एक्सपीरियंस, यू नो, यू कैन कंट्रोल एलिमेंट्स. सूरज चाहे, चांद चाहे, बारिश, ये सब. तो ये सब कैसे आते हैं? जो भी लेक्चर में सुनते हो उसका अनुभव मांगो. मूलाधार चक्र देखा, स्वाधिष्ठान चक्र देखा, महसूस करो कहाँ है मेरे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र, कहाँ से पिंगला जा रही है, क्या उसका अनुभव आ रहा है, क्या उसकी शक्तियां मेरे अंदर आ गई? स्वाधिष्ठान चक्र की क्या शक्तियां, क्या वो मेरे अंदर आ गई? मूलाधार चक्र की क्या शक्तियां, क्या मेरे अंदर आ गए? विस्टम है, फियरलेसनेस है, क्या मैं फियरलेस हूँ या छोटी बात में अभी भी डर रही हूँ? क्या ये चेंज आया है ना? सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? श्री माता जी सबका दिन शुभ, और हम पूरा दिन श्री माता जी के अनुसार ही बिताए. जय श्री माता जी.